गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एज ऑल ऑफ यू आर सीइंग दैट आई एम प्रेजेंटली डिस्कसिंग अबाउट द डेरिवेटिव्स, और कुछ प्रीवियस वीडियोस मैंने डेरिवेटिव्स की अपलोड कर रखी हैं, और आई एम ट्राइंग टू अपलोड द मोर वीडियोस बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, एंड सम स्टूडेंट आर आस्किंग मी अबाउट द इंटीग्रेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स, विच इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स. और डिफरेंशिएशन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक उसमें बचे हुए हैं दो तीन, मैं उनको लेता हूँ. लेकिन आज थोड़ा सा आपको हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ कि हाई ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है क्या. आप सभी बच्चों ने पहले सीख ही लिया कि डी वाई डी एक्स क्या है. तो अगर हम बात करें डी वाई डी एक्स की, तो वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स की अगर हम बात करें, तो जब आप इस वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हमने लिख लिया एफ डैश एक्स. तो ये आपका कहलाया डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट इट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन. तो वहाँ ऑर्डर और डिग्रीज की हम बात करेंगे, यहाँ हम बात कर लेते हैं अभी कि ये क्या कहलाया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ वाई. और हम बात कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर की. तो हमारे पास यहाँ जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सेकेंड ऑर्डर के साथ साथ कुछ क्वेश्चन आपको सेकंड से ज़्यादा थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर के मिलेंगे. तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके बारे में. तो अगर इस फंक्शन को मेरे को वापस से फिर से डिफरेंशिएट करना हो, इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन फर्दर, तो डी वाई डी एक्स को मैं फिर से डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो मैं इसे लिखूंगा क्या. आई विल राइट डी वाई डी एक्स ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हो गया आपका डी वाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स. तो बच्चों इसको लिखने का तरीका ये है, इट विल बिकम डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, और यहाँ जो एफ डैश एक्स एक बार डिफ्रेंशिएट किया था उसको मैंने एफ डबल डैश एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहलाया, राइट. तो डी वाई डी एक्स को हम लेटर डी वाई डी एक्स विल ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय वाई वन, और यहाँ डी टू वाई ओवर डी एक्स टू को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वाई टू. तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. अगर हम इसके बाद इसकी और भी बात करना चाहें, यहाँ आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और फिर से देख सकते हैं. अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करना चाहूं तो मैं इसको लिखूंगा डी वाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स टू एंड डी वाई डी एक्स ऑफ व्हाट एफ डबल डैश एक्स. तो ये क्या बन जाएगा आपको, इसको जो लिखने का तरीका है, इट विल बी डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री एंड इट विल बिकम एफ ट्रिपल डैश एक्स, और इसको रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे y3 से. तो ये जो आपका कहलाया जैसे सेकेंड ऑर्डर कहलाया था, और ये आपका कहलाएगा थर्ड ऑर्डर. इस तरीके से हम चाहें तो इसको 4, 5, 6, 7 आगे फर्दर लेके चल सकते हैं. तो लेटर ऑन अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम डी एन वाई ओवर डी एक्स एन लिखेंगे, तो इट विल बी नोन एज nth या nth डेरिवेटिव ऑफ वाई, nth डेरिवेटिव ऑफ वाई, राइट. तो ये मैंने आपको बता दिया कि डी वाई डी एक्स क्या है, डबल डिफरेंशिएशन क्या है, उसके बाद सेकेंड थर्ड और nth डेरिवेटिव्स. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. तो सबसे पहले हम एक छोटे से एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि अगर मैं यहां लिखूं वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और आपसे पूछा जाए कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो सभी को मालूम है कि डी वाई ओवर डी एक्स इट मीन्स डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, या आप इसको ऐसे लिख लें तो इट विल बिकम डी वाई ओवर डी एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस एक्स. अब मैं अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करना चाहूंगा डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, और यहां हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स. तो आप सभी को मालूम है कि इसको आप डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे,
माइनस का साइन एक्स। तो ये हमारा द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, पुराना बेसिक कॉन्सेप्ट वही चलेगा जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो सपोज करिए मैंने सेकेंड एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। देखें फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है। सभी बच्चों को पता है कि ये दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल इसमें एप्लीकेबल होगा। तो जब प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा तो मैं लिखकर दिखा रहा हूं आपको, डीवाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाहर एंड डीवाई डी एक्स ऑफ क्या है आपका लॉग एक्स। तो ये हो गया आपका लॉग एक्स, लॉग एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और लॉग एक्स का हुआ 1 अपॉन एक्स। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके 3x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। ये आपका एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट कर चुका हूं। सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको, इट विल बी वॉट डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, यहाँ पर ये थ्री बाहर रहेगा, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, इसमें वापस से प्रोडक्ट रूल, तो एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x log x एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x, तो एक x से ये x कैंसिल हुआ, तो यहाँ आपका आंसर कितना है, आप चाहें तो 3 से मल्टीप्लाई करा दें या 3 को बाहर ही रहने दें। तो ये हो गया 2x log x और ये x प्लस 2x इज व्हाट 3x। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है, राइट। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x क्यूब log x विल बी व्हाट 6x log x, 6x कुछ गड़बड़ हो गई है शायद से, एक्स क्यूब लॉग एक्स आंसर मैच नहीं हो रहा है। जब हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये आया 3x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर का 2x लॉग एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स का कितना हुआ 1 बाई एक्स, सॉरी मैं गलती कर गया हूँ, 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर आपका अलग से जो कि 2x बनेगा, ठीक। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, इट विल बी 6x log x प्लस का 3x एंड 2x देन 5x, दिस इज द आंसर। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अनदर क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें ध्यान से इसको, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ITF का लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 NCERT का क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, यू हैव टू फाइंड आउट डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इन टर्म्स ऑफ y अलोन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, डबल डेरिवेटिव्स निकालना है, लेकिन आंसर केवल किसके टर्म्स में आना चाहिए, y के टर्म्स में। तो देखिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सभी को पता है कि dy ओवर dx और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सारे बच्चे जानते हैं, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां जल्दबाजी ना करें नहीं तो क्वेश्चन फंस जाएगा। इसमें आप ITF की प्रॉपर्टी यूज करें, ITF की प्रॉपर्टी से ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू cos y, और मैं x इज इक्वल टू cos y को जब यहां रिप्लेस करूंगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, देखें ध्यान से, तो 1 माइनस cos स्क्वायर y हो जाएगा sin स्क्वायर y और जो कि कितना हो जाएगा sin y। अब dy ओवर dx जब मैं यहां पे ये वैल्यू रखूंगा
तो इट विल बिकम माइनस का कोसेक बाय। और एक चीज बताना मैं भूल गया आपको कि एचओडी का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, लगभग 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपको बोर्ड में लगभग दिखाई देता है हर साल, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहां से dydx हमारा सिंप्लीफाई करके ITF प्रॉपर्टी से इतना आ चुका है। अब आपका ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में आ गया है, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। इसका डिफरेंशिएट सभी बच्चों को मालूम है, d2y/dx2। कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, कोसेक वाई इंटू कॉट वाई। तो कोसेक को डिफरेंशिएट किया है, हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy/dx, ठीक है। और मैं dy/dx की वैल्यू आपको पहले ही बता चुका हूं कितनी है, माइनस का कोसेक वाई। तो आपने इसको यहां रिप्लेस किया, तो माइनस का कोसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू माइनस का कोसेक वाई, तो ये माइनस यहां आ गया, तो आंसर कितना हो गया, माइनस का कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। और अगर हम इसको चाहें तो और भी चेंज कर सकते हैं, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन और वन अपॉन साइन होता है कोसेक, तो ये आंसर आपका माइनस का कोसेक क्यू वाई इंटू कॉस वाई भी हो सकता है। तो आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो माइनस का कोसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई इसका आंसर है, जो कि ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि कॉट होता है कॉस अपॉन साइन और वन अपॉन साइन होता है कोसेक, तो ये क्यूब में चला गया और कॉट को यहाँ पे मैंने सॉरी कॉस को मैंने कॉस के टर्म्स में रहने दिया। नाउ वन मोर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप चाहें तो एचओडी के क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं एंड फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपको पूरी एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और ये एक्सरसाइज वापस से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर से रिपीट होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ई की पावर 10x आपको दे रखा है और आपको प्रूव करना है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू d2y/dx2 माइनस 1+sin 2x इंटू dy/dx इक्वल टू 0। देखें ध्यान से, सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। चेन रूल लगेगा, dy/dx इज इक्वल टू हुआ e की पावर 10x का डिफरेंशिएशन, e की पावर 10x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/1+x2 सॉरी 10 इनवर्स x का नहीं 10x का, तो 10x का डिफरेंशिएशन होगा आपका sec²x। नाउ इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो जब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो कि इस sec स्क्वायर को मैं अगर चेंज करना चाहूं तो इट विल बी व्हाट, e की पावर 10x, या एक काम कर लेते हैं इस e की पावर 10x को हम y लिख सकते हैं, इजी हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। अगर हम यहां पे प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो हम क्वेश्चन में फंस सकते हैं, इसलिए जैसा बता रहा हूं वैसे करने की कोशिश करें, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। क्योंकि मेरे को कॉस स्क्वायर चाहिए, sec को मैंने चेंज कर लिया 1/cos²y में। अब मैं cos²y को इधर लेके आऊंगा तो ये जो मेरा फंक्शन पहले लिखा हुआ था ये चेंज होकर कुछ इस फॉर्म में नजर आएगा, देखिए। क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना इसलिए जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए cos²y का डिफरेंशिएशन जो होगा वो cos²x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो sin²x होगा। और मैंने क्या गलती कर दी है यहाँ पे, 10x का sec²x, सॉरी ये cos²x और ये cos²x। अब यहाँ मैं इन दोनों में प्रोडक्ट टूल लगाऊंगा तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो cos²x का डिफरेंशिएशन सभी बच्चों को मालूम है चेन रूल से माइनस का sin²x, क्योंकि 2 पहले आएगा तो इट विल बी 2cos(x) इंटू cos(x) का माइनस sin(x)। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dy/dx अपनी जगह रहेगा, फिर पहला फंक्शन अपनी जगह
और डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू वाई ओ डी एक्स टू, और y का डिफरेंशिएशन सभी बच्चों को मालूम है डी वाई ओवर डी एक्स। देखिए मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, उसका डिफरेंशिएशन ये आया e की पावर 10x इंटू 10x का कितना हो गया sec स्क्वायर x। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो हमने क्या किया, e की पावर 10x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि हमें प्रूविंग में dy dx चाहिए, और sec स्क्वायर x को हमने 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिखा, बाद में cos स्क्वायर x को हम इधर लेकर आए। अब हमने इस फंक्शन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, तो ये फर्स्ट ये सेकंड उसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है। अब आप सभी को मालूम है करना क्या है, इसको उठा के इधर शिफ्ट करें और देखिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहां हमें मिला कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, ये टर्म इधर आएगा माइनस का डी वाई डी एक्स, यहां माइनस का डी वाई डी एक्स है, तो मैं जब माइनस का डी वाई डी एक्स कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा कितना, वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, साइन टू एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, और ये आपका क्वेश्चन एच ओ डी का प्रूव हो चुका है। तो आप इस तरीके से एच ओ डी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू सम गुड एग्जाम्पल्स, सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।